दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दिल्ली के अंदर लोगों के घरों के सबसे नजदीक के जो काम होते हैं, गलियों के काम, कॉलोनी के अंदर सड़कों के काम, पेड़ों की कटाई छटाई के काम, साफ सफाई झाड़ू लगाने का काम, कूड़े के निपटारे का काम, कुत्तों, बंदरों और मच्छरों के ऊपर जो भी उनकी कार्रवाई होती है, ये सारी की सारी चीज़ें दिल्ली नगर निगम के पास हैं। और इसमें एक बड़ा ज़रूरी काम है, पार्कों का रखरखाव। दिल्ली के अंदर अब जिस तरीके से गर्मी का मौसम आएगा, ये आप सब लोग समझते हैं कि पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ जाकर अच्छा अनुभव करते हैं, लोग सुबह सैर करते हैं, शाम में बच्चे जो है पार्कों के अंदर झूलों पे खेलते हैं। और मैं दावे के साथ एक और बात कह सकता हूँ, जितने भी पार्क दिल्ली नगर निगम के हैं, अगर वो बेहतर स्थिति में हैं तो आप जाके रेंडम सर्वे कर लीजिए, अगर वो पार्क अच्छा है, हरा भरा है, बढ़िया है, तो उसका रखरखाव वहाँ की RWA कर रही होगी और उसका पैसा दिल्ली सरकार पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से दे रही होगी। DPGS, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से दिल्ली सरकार पार्कों के रखरखाव के लिए सीधा RWA को 5 से लेकर 8 लाख रुपए सालाना दे रही है, कि मालियों की तनख्वाह भी दिल्ली सरकार दे रही है और वहां पर रखरखाव, खाद आदि का खर्चा भी दिल्ली सरकार दे रही है, जबकि ये सीधी सीधी जिम्मेदारी MCD की है। MCD ने भी माली रखे हुए हैं, मगर वो पता नहीं किन अफसरों के घर उनके कुत्ते घुमाने का काम कर रहे हैं, सिलेंडर लाने का काम कर रहे हैं, पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, पर्सनल ड्राइवर बन के रह रहे हैं, अफसरों के हैं और काउंसलरों के हैं, मगर माली का काम नहीं करते। ये काम RWA अपने द्वारा करा रही है और पैसा पूरा का पूरा लाखों रुपए दिल्ली सरकार दे रही है। अब MCD को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और अब आपको ये जानकारी मिली होगी, दिल्ली के अंदर सुंदर सुंदर जो पार्क्स थे वो अब सूखते जा रहे हैं और उसका कारण है दिल्ली नगर निगम का निकम्मापन और लापरवाही। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली के अंदर, माननीय NGT ने एक ऑर्डर दिया है कि जितने भी ट्यूबवेल पार्कों के अंदर हैं उनको बंद किया जाए और पार्कों की सिंचाई के लिए जो जल की आवश्यकता है, जो पानी की आवश्यकता है, वो दिल्ली नगर निगम और DDA जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से ले, STP से ले। अब निर्णय क्योंकि NGT का है, तो हालांकि मेरे उस ऑर्डर पे भी कुछ एतराज हैं, मगर उस पर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर ऑर्डर में आपको दिक्कत थी तो आपको अब तक सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए था, 2 साल हो गए, MCD इसके ऊपर बैठी थी। अब जब NGT के आदेशों में सख्ती आई है और NGT ने जवाब मांगा है, तो ये ट्यूबवेल जो है सील किए जा रहे हैं। बताया गया है कि नगर निगम का प्लान है कि इन ट्यूबवेल्स को अब जो है बंद करना पड़ेगा। NGT का ऑर्डर ये था कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, STP हैं, कई इलाकों के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो सीवर का पानी जब साफ किया जाता है तो उससे जो है पानी निकलता है जिसको आप सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। STP का जो है वो प्लांट से पानी आता है। NGT के ऑर्डर ये थे कि दिल्ली नगर निगम अपने टैंकर लगाए और ये पानी STP से लेकर अपने पार्कों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें,
और जल बोर्ड को आदेश दिए थे कि आप अपने एसटीपीज के अंदर ऐसी फैसिलिटी तैयार कीजिए कि ये टैंकर यहाँ पे आकर आसानी से सुचारू रूप से इन पानी यहाँ से पानी भर सकें। हर एसटीपी के 5 किलोमीटर रेडियस तक ये पानी इस्तेमाल हो, इसकी जिम्मेवारी जल बोर्ड को दी गई। जल बोर्ड ने अपने यहां एक ऑर्डर पास किया स्पेसिफिक बोर्ड के अंदर कि अब तक जो पैसा लिया जाता था एसटीपी का पानी देने के लिए, वो भी अगर आपको सिंचाई के लिए चाहिए या लेक बनाने के लिए चाहिए, तालाब बनाने के लिए चाहिए, या पानी को रिसाइकल करके दोबारा धरती में भेजने के लिए चाहिए जिसमें पार्क आ जाते हैं, तो जल बोर्ड उसको निशुल्क मुफ्त देगा। जल बोर्ड ने यह भी कर दिया कि आपसे हम पैसा भी नहीं लेंगे। एमसीडी को बता भी दिया कि भाई अब हमने इसको मुफ्त भी कर दिया और आपके लिए तैयारी भी कर दी, आप अब टैंकर भेजना शुरू कीजिए और अपनी सिंचाई कराइए। बावजूद इसके बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि नगर निगमों ने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। अब हालत यह है कि सालों से जो आरडब्ल्यूएस ने पार्क हरे भरे किए थे, वहां पे अब ट्यूबवेल सील हो गए हैं और पार्कों को पानी नहीं मिल रहा। पिछले 5-10 सालों में जो एक बड़ी मुहिम दिल्ली वासियों ने चलाई पार्कों में और हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनके अंदर, डीडीए की फॉरेस्ट एरियाज के अंदर जो नए पेड़ लगाए गए, जो वृक्षारोपण किया गया, वो पेड़ भी सूख रहे हैं। अब वो पार्क जो बंजर हो जाएंगे तो वहां पे धूल उड़ेगी, जो पेड़ छोटे छोटे पेड़ थे जो कल को बड़े पेड़ बनते वो पेड़ सूख जाएंगे। तो आप दिल्ली सरकार ने और दिल्ली वालों ने जो पिछले 5 सालों के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए जो कदम उठाए, आप उनको वापस उसी स्थान पर लेके आ रहे हैं। दिल्ली वालों को उनके करीब 18,000 पार्कों से महरूम कर दोगे। दिल्ली के अंदर करीब 14,500 पार्क दिल्ली नगर निगम के पास हैं, जिसमें करीब 6,500 नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हैं, 6,000 के करीब साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हैं, और 2,500 जो हैं ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हैं, और बाकी पार्क जो हैं डीडीए और अन्य छोटी मोटी जो एजेंसीज हैं उनके पास हैं। इन्होंने ऐसी योजना बनाई है जैसे कूड़े के ढेरों में जो आग लगा के दिल्ली में प्रदूषण फैलाने की जो एक कोशिश हमेशा करते आए हैं, अब ये योजना बनाई है कि इस तरीके से पार्कों को बर्बाद कर दो कि हर जगह धूल उड़े और दिल्ली के अंदर प्रदूषण और बढ़े और लोग अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की सरकार को है जो है और जो है इनके माध्यम से जो है वो गाली दें। दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड ने एक और प्रपोजल इनको दिया कि जब तक टैंकर आपका पानी ले जा रहे हैं वो तो ठीक है, मगर एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे एक पाइपलाइन बिछा दी जाए ताकि आपको एसटीपी से पाइप के माध्यम से आपके पार्कों को पानी मिले। जल बोर्ड ने करीब 850 करोड़ का एक प्रपोजल तैयार किया, एक एस्टीमेट तैयार किया, और प्रोपोर्शनेटली सभी एजेंसीज को उसका पैसा भागीदारी बांट दी कि भाई आप इतने करोड़ रुपए दे दें, आप इतने करोड़ रुपए दे दें, आप इतने करोड़ रुपए दे दें। दिल्ली नगर निगम ने पैसे तो दूर, उस प्रपोजल के ऊपर जो कमेंट्स मांगे थे वो भी नहीं दिए। कोई इनकी तैयारी नहीं है और इस वक्त जो दिल्ली के कॉलोनी के अंदर लोग हैं वो बेहद दुखी हैं, बेहद परेशान हैं कि उनके हरे भरे पार्क जो है वो सूखने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके पास प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भाई मैंने आदेश गुप्ता को सीधा चुनौती दी है, अब मुझे नहीं पता वो काउंसलर साहब कितना समझते हैं आबकारी नीति को, मगर क्योंकि वो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे पूछा था कि आपके भाजपा द्वारा शासित राज्यों के अंदर शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल है और कुछ में 18 साल है, गोवा है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है,
आप अपने राज्यों में शराब की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 25 कर दीजिए, हम 30 कर देंगे। आप करिए तो सही, आपके राज्यों में 18 साल उम्र है, यहां पे आप 21 साल में भी आपको पेट में दर्द है। कारण समझिए आप इसका, कारण क्या है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी नाइट क्लब्स हैं, जितने भी पब हैं, बार हैं, फाइव स्टार होटल हैं, मेरे को दिल्ली के अंदर, मैं ही पैदा हुआ यहीं पे, मैं कॉलेज में गया यहीं पे, स्कूल में गया यहीं पे, पढ़ नौकरी करके इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी। अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा, कहीं पे आपसे आपका आईडी कार्ड पूछ के आपकी उम्र किसी ने देखी हो कि भाई आपकी क्या उम्र है, आप क्या शराब पीने आए? कहीं पर नहीं है, क्योंकि पुलिस को हफ्ता जाता है इन जगहों से, पैसा इकट्ठा होता है और इसी चीज पे इकट्ठा किया जाता है कि जी आपके यहां जो भी कुछ चलेगा हम आंख बंद कर लेंगे, आप चलने दो। अब क्या है, क्योंकि ये 21 साल हो जाएगी, तो अब आप उन रेस्टोरेंट मालिकों को, उन होटल मालिकों को, उन बार मालिकों को अब आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अब आप उनको आम टुच नहीं कर सकते। तो ये जो हफ्ता वसूली है ये बंद हो जाएगी। ये भाजपा की परेशानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस का क्या है, पुलिस तो इकट्ठा करती है ऊपर जाता है। तो इनकी समस्या सिर्फ इतनी है कि जो पैसा आता था वो आना बंद हो जाएगा। हम तो चुनौती दे रहे हैं, आप अपने राज्यों में कर दो ना, हम भी कर देंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। कभी गांधी जी के पास क्यों जाते हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। गांधी जी से इनका लेना देना क्या है? नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी की हत्या की, उसकी तो इनके नेता तारीफ करते हैं, उसका ये जन्मदिन मनाते हैं, उसकी ये पूजा करते हैं। आरएसएस का वो आदमी था, गांधी जी के पास चले जाएंगे? अरे अपने कम से कम जो अपने गुरु हैं वो तो सही बनाओ। गांधी जी को और बदनाम करते, गांधी जी की आत्मा इतना ज्यादा दुखी होती होगी जब ये संघ के लोग उनके यहां आके बैठते होंगे, कहते होंगे दिन रात व्हाट्सएप पे गांधी को गाली देने वाले लोग अब मेरी समाधि पे आ जाते हैं। मतलब गांधी अगर कह पाते तो गांधी समाधि से निकल के कहते कि कम से कम मेरी समाधि पे तो मत आओ। बड़ी हैरानी की बात है, इस तरीके से कैसे हिपोक्रेसी से ये लोग जीते हैं मैं तो हैरान हूं। घर में अपने मतलब इनके बच्चों के इंटरव्यू लो तो वो बताएंगे, ये जो भाजपा के नेता जितने भी गांधी समाधि पे गए हैं, इनके बच्चों से, इनके पड़ोसियों से, इनके स्कूलमेट से आप इंटरव्यू लीजिए, कहेंगे दिन रात गांधी को गाली देते हैं, दिन रात गांधी को कोसते हैं और ढकोसला करने के लिए गांधी की समाधि पे जाते हैं। बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत शोक की बात है। धन्यवाद, ठीक है।